सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सामने अपनी खड़ी ऑल न्यू 2023 महिंद्रा सुप्रो प्रॉफिट ट्रक सीएनजी में। तो भाई जहां कमर्शियल व्हीकल में सारी अदर्स कंपनियां जो हैं सीएनजी में अपनी व्हीकल निकाल रही थी, तो महिंद्रा क्यों पीछे रहे? तो भाई महिंद्रा ने भी अपनी लॉन्च कर दी है सुप्रो प्रॉफिट ट्रक सीएनजी। जैसे कि आप देख सकते हो सीएनजी और पेट्रोल दोनों में ये चलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कीमत बता देता हूँ। तो 6,32,000 एक्स शोरूम से ये स्टार्टिंग है भाई। हर स्टेट का अलग अलग वैरी करता है। अगर आप यूपी प्रयागराज से देख रहे हो तो ब्रिजराज मोटर्स पे आना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो भाई हर स्टेट का अलग अलग वैरी करता है, आप अपने जो है डीलरशिप पे जाके कॉल करके पता कर सकते हो। तो भाई ये सीएनजी डीओ है सुप्रो प्रॉफिट ट्रक, जैसे कि आप देख सकते हो। बेसिकली इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या डिटेल्स मिल जाती है, क्योंकि भाई गाड़ी खरीदने से पहले आपको जो है डिटेल जानना, नॉलेज लेना पहले से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेसिकली मतलब खुद की नॉलेज तो भाई होना ही चाहिए, कम से कम आप गाड़ी लेने जा रहे हो, आपको कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको खुद पता होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं कि आप लोग को जो है काफ़ी नॉलेज मिल सके, आप जो है इजली जाके खरीद सको। तो 6,32,000 रुपये एक्स शोरूम है, बाकी आपको इसमें 3 साल 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। तो आइए बात करते हैं इसके, स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। कमर्शियल व्हीकल है भाई, जैसे कि आप देख सकते हो महिंद्रा की हर कमर्शियल व्हीकल में आपको पुराना वाला लोगो देखने को मिल जाता है। सुप्रो प्रॉफिट ट्रक की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पे आप सीएनजी आप देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो दी गई है। और ये आपका जो है शोरूम का पूरा एड्रेस है, नंबर है, कॉल करके कुछ भी आप जो है सारी डिटेल आप निकाल सकते हो। वाइपर्स आप देख सकते हो यहाँ पे, ओवरऑल सुप्रो की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हेलोजन हेडलैम्प, कॉर्निंग लैम्प का फंक्शन मिल जाएगा, इंडिकेटर मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर टेक मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है बम्पर मिल जाएगा ब्लैक कलर में, रिफ्लेक्टर मिल जाएगा यहाँ पे आपको, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे से कुछ ऐसी दिखती है। ये हो गई इसकी बात, और कलर की मैं बात कर लेता हूँ। तो कलर जो है यहाँ पे टोटल 2 कलर ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे। ये आपके सामने खड़ा हुआ डायमंड वाइट, दूसरा आएगा आपका डीप वार्म ब्लू, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो भाई ये सीएनजी और पेट्रोल दोनों में चलती है। तो अभी एक एक करके मैं सारी डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसकी डायमेंशन मैं बता देता हूँ पूरी गाड़ी की। तो 3927 mm इसकी लेंथ आएगी, विथ आपको 1540 mm, हाइट आपको 1900 mm, व्हील बेस यहाँ से और यहाँ तक के डिस्टेंस को व्हील बेस बोलते हैं 1950 mm व्हील बेस मिल जाएगा आपको। ये रही आपकी ओवरऑल पूरी डायमेंशन आपकी गाड़ी की। तो बात कर लेते हैं इसके स्पेयर स्टील रिम टायर की। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 12 इंचेस के, यहाँ पे आपको जो है स्टील रिम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 145R12। यहाँ पे आपको जो है अल्टीमैक्स के टायर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा, और सस्पेंशन काफ़ी अच्छे दिए गए हैं भाई, कमानी पट्टे यहाँ पे आपको दिए गए हैं, और यहाँ पे रिगिड लीफ सस्पेंशन। फ्रंट में आपको 8 कमानी पट्टे मिलते हैं और पीछे की तरफ आपको 7 कमानी पट्टे मिल जाते हैं। लैडर फ्रेम चैसिस यहाँ आप देख सकते हो, ये पूरा लैडर फ्रेम चैसिस आपको मिल जाता है। ये आप यहाँ से पेट्रोल भरवाओगे 5 लीटर की यहाँ पे जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एक्साइड की बैटरी आ जाती है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो पूरी यहाँ पे इंजन यहाँ पे पीछे की तरह सीट के नीचे प्लेस होता है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको डुअल सीएनजी टैंक मिल जाते हैं, एक ये आप देख सकते हो, दूसरा ये आपका फिटिंग है। तो 45 और 30 लीटर का आपको जो है फ्यूल और सीएनजी टैंक मिल जाएगा, 75 लीटर का आपको जो है सीएनजी टैंक मिल जाएगा, जो कि आपको जो है 12 केजी तक आप जो है इस पर सीएनजी भरवा पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डुअल सीएनजी टैंक आपको मिलता है, एक 45 लीटर का है वो बड़ा वाला, और एक नीचे ये वाला 30 लीटर का है। और ये आपका कमानी पट्टा हो गया, आगे आपको 8 कमानी पट्टे मिलते, पीछे आपको 7 कमानी पट्टे मिलते हैं। तो भाई आगे ज़्यादा दिया गया क्योंकि भाई लोडिंग होती है ना, जब ब्रेक व्रेक लगती है तो आगे की तरफ ज़्यादा जो है दबाव पड़ता है। तो पेलोड कैपेसिटी बता सकते हैं, अब करते हैं इसके डाले की बात। तो सबसे पहले डाले की डायमेंशन में बता देता हूँ आपको, 7 फिट 5 इंच का आपको ये लंबाई मिल जाएगी पूरे डाले की, और चौड़ाई की बात कर ले तो 5 फिट डाले की जो है चौड़ाई हो जाएगी। और इस पर आप लोड डाल सकते हो 750 kg का, 750 kg का आप यहाँ पे इस पर लोड डाल सकते हो। बाकी ओवरलोड करोगे तो भाई माइलेज कहीं ना कहीं ड्रॉप होगा। माइलेज की बात कर लेते हैं तो माइलेज आपको 23.35 km का कंपनी यहाँ पे आपको माइलेज क्लेम करती है। ओवरऑल अगर बैक से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो बैक से ऐसी दिखती है। अब गवर्नमेंट का नॉब है यहाँ पे, आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, सुप्रो की जो है आपको बैजिंग मिल जाती है, लाइट मिल जाती है आपको यहाँ पे, स्पेयर टायर यहाँ की तरफ माउंट किया गया है जैसे कि आप देख सकते हो नीचे से, RWD है भाई, टेल लैम्प मिल जाते हैं, इंडिकेटर मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग लैम्प मिल जाती है, सीएनजी की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको पूरी टेप मिल जाता है, रिफ्लेक्टर टेप,
सीएनजी की यहाँ पे ब्रांडिंग सीएनजी सीएनजी सीएनजी, तो भाई ये सीएनजी 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 और पेट्रोल दोनों में चलेगी। यहाँ से अपना डाला खोल सकते हो ईज़िली और इधर से भी आराम से आप जो है खोल सकते हो। मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा, सब चीज़ ही मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरा डाला खोल लिया। तो भाई बिज़नेस कमर्शियल व्हीकल है, पानी की बॉटल हो गई, दूध का काम अगर आप करते हो और बेकरी वोकरी का काम करते हो लोडिंग के लिए आपके लिए बहुत अच्छी। इलेक्ट्रॉनिक का अगर काम करते हो इस पर आप सामान वामान लाद सकते हो, फ्रिज वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह। आप जो है ज़्यादा कमाई के लिए ये बनाया है महिंद्रा ने, जैसे कि आप देख सकते हो भाई मिनी है, कमर्शियल व्हीकल है और 6,32,000 रुपये से स्टार्टिंग है और मोटा मोटा मान के चलिए तो 7 लाख के आसपास आपको कहीं ना कहीं पड़ जाएगी। बाकी आप अपने स्टेट में जाके पता कर सकते हो। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बता दूं, तो ये आपको जो है डेक वाला मिल रहा है, साथ ही साथ इसमें एक ये भी है कि सीबीसी भी आता है इसमें, केबिन विचेसेस और हाई डेक। ये आपका हाई डेक हो गया और वो आप जो देख रहे हो ये यहाँ से आपको जो है एयर इनटेक होगा। ये आप देख सकते हो यहाँ से आपका पूरा एयर इनटेक होगा। सीएनजी डीओ की बैजिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे आपको जो है फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाएगा, डोर हैंडल्स मिल जाएगी, छोटे से ओआरवीएम मिल जाते हैं आपको, काफ़ी छोटे से ओआरवीएम है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये रही कुछ साइड प्रोफाइल जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ वार्निंग दी गई है, देख सकते हैं आप सीएनजी की पूरी वार्निंग, यहीं से आप अपने सीएनजी एनजी भरवाओगे। ये आपका दिया गया है ओपन क्लोज, सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है आप समझ में। ये एग्जॉस्ट, ये आपका एग्जॉस्ट टेल पाइप रहा, ये आपका जो है 7 कमानी पट्टे, आगे 8 कमानी पट्टे, लैडर फ्रेम चैसिस मिल जाएगा आपको यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो कमर्शियल व्हीकल है। तो अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, आपको इंटीरियर का भी तो नज़ारा दिखाएंगे और बात करेंगे बहुत कुछ। तो ये आप देख सकते हो लॉक अनलॉक, और इसका मैं गेट ओपन करूँगा। गेट आप देख सकते हो कमर्शियल व्हीकल है, नॉर्मल आपको गेट मिलेगा। विंडो रोल करने के लिए आपको जो है ये मैनुअली आपको करना पड़ेगा। ग्रैब हैंडल मिल जाती है, इनसाइड डोर हैंडल, ये आप देख सकते हैं काफ़ी ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पूरा सीएनजी सेफ्टी आपको यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है, हर एक चीज़। और यहाँ से ये आप देख सकते हो वाइपर का वॉशर वॉशर के लिए है, उस साइड भी है, उस साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओ एक मिनट, ये बंद है। तो ये रहा आपका, ये आपका विंडशील्ड वाइपर है और आगे आपका ब्रेक फ्लूइड लूट का था, ये आपका विंडशील्ड वाइपर यहाँ की तरफ प्लेस किया गया है, देख सकते हैं आप, काफ़ी खुफिया जगह है। बाकी लॉकेबल आपको ग्लव बॉक्स मिल जाएंगे और डोर आप देख सकते हो भाई नॉर्मल, विंडो रोल डाउन आप कर सकते हो। अब चलते हैं इसके ड्राइवर साइड की तरफ, बैठ के बात करेंगे और आपको बताएंगे बहुत कुछ इसके बारे में। चलिए चलते हैं, लेट्स गो इनसाइड। ओहो क्या बात है भाई, ये आप देख सकते हैं स्टेयरिंग महिंद्रा का लोगो। हॉर्न मैं आपको सुना देता हूँ, एक मिनट, मैंने की मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे आपको की नॉर्मल सी आप देख सकते हो, की आपको मिल जाएगी, दो की आपको मिलेगी नॉर्मल सी। इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ और इग्निशन ऑन कर देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। हॉर्न मैं आपको सुना देता हूँ, हॉर्न कुछ ऐसा बजता है, और बाकी ये आपकी स्टेयरिंग हो जाती है, ये आपका जो है हेडलाइट का जो है आपका जो है कंट्रोल हो जाता है, ये वाइपर का कंट्रोल हो जाता है। नीचे की तरफ आपको जो है सी एन जी की, ये आप देख सकते हैं यहाँ आप सी एन जी से पेट्रोल, पेट्रोल से सी एन जी शिफ्ट कर सकते हो, और ये सी एन जी में भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका जो रहा हेडलाइट लेवलर हो जाता है आपका। बाकी यहाँ पे आपको जो है देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ये आपका MID डिस्प्ले जो कि शो करेगा किलोमीटर, अरे वाह, ये ट्रिप मीटर, ये टाइम आपका शो करेगा किलोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सब आपका शो करेगा। और ये आप देख सकते हो, और यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल लेवल मिल जाता है, इंजन टेम्परेचर मिल जाता है, बाकी काफ़ी यहाँ पे सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो छोटा सा है कमर्शियल व्हीकल है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो, काफ़ी यहाँ पे छोटा सा जो है मंदिर उंदिर प्लेस कर सकते हो, थोड़ी सी स्पेस यहाँ मिल जाती है, लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल जाता है छोटा सा, और यहाँ पे आपको 4 स्पीड का जो है मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, 4 फॉरवर्ड 1 रिवर्स। ये आप देख सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर जो कि हर सीएनजी गाड़ी में होता ही होता है, तो ये सेफ्टी फीचर्स हैं। बाकी यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगी, सीट बेल्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आप 2 बंदे आप आराम से यहाँ पे बैठा सकते हो, और ग्लास एरिया आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लास एरिया मिल जाता है, ग्रैब हैंडल मिल जाती है, IRVM यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये आपकी जो है लाइट हो गई, और ये आपका जो है सनवाइज़र हो गया टिकट होल्डर के साथ, यहाँ पे नहीं मिलता। पीछे आपको जो है स्लाइडिंग विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए भी, और अपना सामान वामान कार्गो और वो सब देख सकते हैं।
ये आप जो स्लाइड करके बंद और ओपन कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे महिंद्रा का जो है इंफोटेनमेंट, यहाँ पे आपको छोटा सा म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है जो कि सपोर्ट करेगा USB, AUX, SD कार्ड, आई थिंक ब्लूटूथ भी ये सपोर्ट करेगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये महिंद्रा की तरफ से, जैसे कि आप देख सकते हो। ये इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, रिमोट भी ये छोटा सा मिल जाता है। और स्पीकर तो अभी लगे नहीं है, स्पीकर आप देख सकते हो, स्पीकर तो अभी शायद लगे नहीं है, और सिर्फ ये लगा दिया है। अभी जब कस्टमर की रेडी होगी तो सब लगा के देगा, स्पीकर नहीं लगे। बाकी ये आप देख सकते हो ये है, और हज़ार्ड लैंप आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये रहा इसका कुछ इंटीरियर का नज़ारा। तो आई होप मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी। तो सेफ्टी फीचर्स में आपको यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है आपको 10 लाख तक का, ELR सीट बेल्ट मिल जाती है, फ्रंट नोज डिज़ाइन, न्यू एक्सिस स्प्लिट ब्रेक्स विद LSPV, और 3 ईयर्स 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। 3 साल 80,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिल जाती है महिंद्रा सुपरो प्रॉफिट ट्रक CNGTO में। तो ये हो गई इसकी बात। तो अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इसके इंजन की बाहर चल के। तो इंजन की मैं बात कर लेता हूँ। तो भाई इंजन तो पीछे की तरफ प्लेस किया गया, नीचे सीट के नीचे। तो यहाँ पे आपको इंजन जो होता है, इंजन मिल जाएगा 909 सीसी का इनलाइन 2 सिलेंडर पॉजिटिव इग्निशन CNG एडिशन वाला, जो कि पावर निकालेगा 27 BHP की पावर निकालेगा, 60 Nm का टॉर्क निकालेगा, और कंपनी क्लेम करती है 23.35 KMPL का आपको माइलेज मिल जाएगा, 4 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, और 4 स्पीड फॉरवर्ड 1 रिवर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। 909 सीसी का इंजन है, 2 सिलेंडर का, 27 BHP की पावर और 60 Nm का टॉर्क ये निकाल के दे देता है। CNGTO की बैजिंग आप देख सकते हो, न्यूली लॉन्च्ड है। तो भाई तो कैसी लगी आपको ये कमर्शियल व्हीकल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई थी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ऐसे ही रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। और आपको कैसी वीडियो चाहिए कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।